हटाव में दिलखराश वाकया, घर से चार लाशें बरामद। जान बहक होने वालों में मियां, बीवी और दो बच्चे शामिल। लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं, गैस लीकेज के बायस हलाकतें हुई। इब्तदाई तफ्तीश, फॉरेंसिक टीमें जाए वकूअ पर पहुंच गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं दुरुस्त करार। हाईकोर्ट ने सजाओं के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में तीन रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। नैब ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम के तहत तहफ्फुज़ हासिल है। नैब वकील, पंजाब में बल्दियाती निजाम में तरमीम का फैसला। परवेज मुशर्रफ दौर का बल्दियाती निजाम दोबारा लाने पर इत्तेफाक। ड्राफ्ट कल वजीर आजम इमरान खान को पेश किया जाएगा। वजीर आजम से मंजूरी के बाद बिल असेंबली के पहले इजलास में पेश किया जाएगा। नया बल्दियाती निजाम कैसा होगा, लाहौर न्यूज अहम मालूमात सामने ले आया। 2001 में 13 महकमे थे, अब एक भी नहीं। सियासी ढांचा कमजोर तरीन। 2013 के बल्दियाती एक्ट के मुताबिक तमाम इख्तियारात इंतजामिया के पास, अवामी नुमाइंदों के हाथ खाली। नए बल्दियाती निजाम के नुकात 2013, 2001 और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निजाम से तैयार किए गए। पंजाब काबीना ने किफायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अखराजात कम करने और सूबे भर में किसी को इजाफी प्रोटोकॉल ना देने का फैसला। वजीर आला खुद भी इंतहाई कम जरूरी प्रोटोकॉल लेंगे। गैर जरूरी दौरों से इज्तनाब और गाड़ियों के पेट्रोल और खर्चे पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए नया प्लान तश्कील देने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बजदार की जेर सदारत काबीना के पहले इजलास में अहम फैसले। शिरका की चाय और बिस्किट से तवाज़ुन। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज लाहौर आमद। जमान पार्क में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। वज़ीर आज़म की रिहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आज़म पंजाब काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों की टिकट पर भी मुशावरत होगी। सदारती उम्मीदवार आरफ अलवी बजरिया मोटरवे लाहौर पहुंच गए। इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत से जीतने के अज़्म का इजहार। इमरान खान, असद उमर और मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। 100 रोज में तरक्की का रोड मैप देंगे। आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। हद हो गई, कहीं 25 रुपए तो कहीं 50 रुपए पार्किंग वसूल की जा रही है। लोगों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं, आपने कंपनी से पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाई। जस्टिस अली अकबर कुरैशी चीफ एग्जीक्यूटिव कल्ब अब्बास पर बरहम। हाईकोर्ट का 2 रोज में शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने का हुक्म। 3 सितम्बर तक तहरीरी जवाब और कंपनी की तश्कील का रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम। हाईकोर्ट का मॉल रोड के बरामदों पर कब्जे का नोटिस। बरामदे फौरी तौर पर खाली करवाने का हुक्म। मॉल रोड के अंदर लगे बड़े होर्डिंग्स आज ही उतारे जाएं। अदालत के रिमार्क्स, डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक हाईकोर्ट में पेश। मॉल रोड पर कूड़ा फेंकने वाले 97 अफराद को जुर्माना करके 97,000 रुपए वसूल किए। डिप्टी कमिश्नर का अदालत में बयान। अदालत का सदर हाईकोर्ट बार और सदर मॉल रोड पर मुश्तमिल वक्त को काम का जायजा लेने का हुक्म। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर को अहदे से हटाने और तबादले करने से रोक दिया। अदालत के हुक्म तक दोनों अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तजावजात और मॉल रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अपनी टीम के हमरा काम जारी रखे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। अंदरून शहर गैर कानूनी प्लाजों की तामीर के खिलाफ केस। अदालती हुक्म पर किस हद तक अमल हुआ। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का डीजी वॉल सिटी कामरान लाशारी से मुकालमा। आपको कहा कि गैर कानूनी प्लाजों की तामीर बंद करवाएं, मगर आपके कानों पर जूं तक नहीं रिगी। रिमार्क्स, 5 सितंबर तक अमल दरामद की रिपोर्ट तलब।
हाईकोर्ट का मॉल रोड पर टूटे फूटे फुटपाथ की मरम्मत करने का हुक्म। फुटपाथ की तामीर में फंड्स के हुसूल के लिए वक्त दरकार है। वकील एलडीए, आप वो दौर भूल गए जब आप किसी के इशारे पर अंडरपास तामीर कर देते थे। अदालत का एलडीए के वकील से मुकालमा। जनरल अस्पताल में मरीज की आयादत के लिए आए लवाहिकीन पर सिक्योरिटी अहलकारों का तशद्दुद, मार कुटाई। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुतासरीन का वजीर आला पंजाब और वजीर सेहत से वाकई का नोटिस लेने का मुतालबा। हमजा शहबाज के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन का मामला, नून लीग की 48 घंटे की डेडलाइन खत्म। कायम मकाम स्पीकर दोस्त मजारी ने था हाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नून लीग ने एहतजाज का इंदिया दिया था। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में मस्बत और तामीरी अपोजिशन की रिवायत कायम करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। लाहौर के चारों हलकों के उम्मीदवारों की लिस्टें आवेजा। कौमी असम्बली की दो नशस्तों पर 58 और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 73 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 4 सितंबर तक जारी रहेगा। सरकारी अस्पतालों में 2200 असामियों पर नर्सों की भर्ती की मंजूरी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, नर्सों के मसाइल हल करेंगे। सुबह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। हॉलैंड में गुस्ताखाना पार्कों के मुकाबले की मंसूखी पर इजहार तशक्कुर। जामिया नीमिया के जरिए तमाम क्वीन मैरी कॉलेज से प्रेस क्लब तक रैली। खातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ताखाना पार्कों के खिलाफ लाहौर बार की हड़ताल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 21 खातीन असातिज़ा की ग्रेड 18 में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खातीन असातिज़ा को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर रेगुलर बुनियादों पर तैनात किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड का 2.5 माह के शॉर्ट कोर्सेज करवाने का फैसला। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 सितम्बर मुकर्रर। मजन में बिजली का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। लोग ट्रांसफार्मर से निकलने वाले तेल को इकट्ठा करने लगे। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जाकिर खान को चेयरमैन पाकिस्तान सुपर लीग मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जाकिर खान को पीसीबी में डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी मुकर्रर किया जाएगा। मैं नरगिस साहिब से माजरत करता हूँ, दिल की अथागिराइयों से। बड़ी काबिल एहतराम है। नेगा जो है ना वो भी बीच में थी, उनकी भी मेरे ख्याल वहाँ पर कोई डिस्कशन हुई थी, तो उनकी तरफ से गिला आया कि मेरा नाम नहीं लिया गया, तो मैं मैडम नेगा को भी जो ना सॉरी करता हूँ। और अदाकारा नरगिस और मेघा के खिलाफ बयान देने पर सुबह वजीर फयाजुल हसन चौहान ने माफी मांग ली। फनकारों की बहुत इज्जत करता हूँ, आइंदा एहतियात करूँगा। मजाक में कही गई बात किसी और तरफ चली गई। मेघा और नरगिस मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। फयाजुल हसन चौहान।